हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज हम डोरमेट बनाएंगे और आसन भी आप इससे बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनेगा। ये देखिए, ये मैंने बोरी जो है ये ली हुई है। आप इसमें चावल या गेहूं, इसकी बोरियां जो होती हैं, आप इनसे इनको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे पास नीडल है। हमें इस तरीके की नीडल चाहिए होगी, आपको ये शॉप में मिल जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप इससे ले सकते हैं। और दूसरा, ये आप इसके अंदर जो है कोई भी कपड़े, कैसे भी कपड़े आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साड़ी है, दुपट्टा है, पुराने हैं, या छोटी मोटी कतरे हमारे पास बच जाती हैं, आप किसी भी तरीके से आप वो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप जो है आप लंबी भी ले सकते हैं और उरेब भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो सभी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ना बताकर आपको यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले जो हम तब काटेंगे, तो इसके किनारे जो है हम इसमें जो है कच्चा कर लेंगे, और जहाँ पर कच्चे की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम कच्चा कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने ये कुछ लगा दिया है, ये स्क्वायर जो है ये मैंने बनाया है। स्क्वायर बनाकर जो है ये देखिए, जैसे हमने ये लिया और इसके अंदर डालेंगे हम निडल को, इसको हम डबल रखेंगे। डबल रखने के बाद ये देखिए, यहाँ से इसको लेंगे और इसको डबल करके इस तरीके से हम इसको काट देंगे। कलर जो है आप अपनी पसंद से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने अभी पहले छोटा पीस लगाया था, अब ये देखिए बड़ा पीस है। ये किनारे पर जो है हम जो इसकी बाउंड्री जो बनाएंगे वो हम इस तरीके से ऐसे बना सकते हैं निशान पर, और इसको बीच में भरने के लिए जो है इसी के साथ साथ जो है थोड़ा सा गैप रखते हुए इसके बीच में जो है और इसको काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप इसको जो है पूरे को कवर कर लेंगे पूरा, तब हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद जो है हम इसकी जो है, मैं आपको ये पूरा कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। और उसके बाद ये देखिए, इसको जो है अगर हमारे पीस कभी छोटे बड़े रह जाते हैं, जैसे ये देखिए हमने डबल कर लिया है, तो जब हम इसे खींचते हैं तो कोई पीस हमारा छोटा रह जाता है, तो उसमें को आपको कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए उसको, क्योंकि ये हमने जो है कटिंग करनी है। देखिए, अब इसकी हम कटिंग करेंगे, इसको इक्वल जो है हमने कट करना है। छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा पीस हैं इनको निकाल देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग जो है ये मैंने कर ली है। कितना सुंदर जो है ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ऐसा ही मैंने जो है बड़ा बनाया हुआ है, ये देखिए कितना सुंदर जो है वो ये लग रहा है। ये देखिए, आप इसको डोरमेट भी बना सकते हैं ऐसे ही, और ऐसे ही आप आसन बना सकते हैं। ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा रॉन्ग साइड है। ये देखिए, रॉन्ग साइड पर भी जो ये डिज़ाइन है कितना सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से ऐसे मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ ये फ्लावर कर, और ये देखिए यहाँ से। और फ्रेंड्स, आप इसको जो है
कैसे भी यूज धो सकते हैं, इसको धोने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे रफ़ एंड टफ यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन में आप इसको धो सकते हैं। ये देखिए यहाँ से जो है आपको कच्चा करना पड़ेगा, ये मैंने कच्चा नहीं किया, तो यहाँ से आप इसको कच्चा कर लिए ताकि ये ना निकले, और बाकी जो है आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको धो सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।